मुझे 5 साल से जहांजेब के बारे में पता है और सब कुछ जानने के बाद भी मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई आनिया। मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं होती। जहांजेब तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, जिद है। सॉरी टू से, लेकिन हर कोई आपकी तरह बेवकूफ नहीं होता है। ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका भी घर हो, उसके बच्चे हो। और आफरीन ने भी तो छोड़ दिया ना इनको। जहांजेब तुम प्लीज हानिया की बातों पर गौर ना करो, वो पागल हो चुकी है। वो पागल नहीं है सोफी, सच्ची तो कह रही है, यही तो है मेरी हकीकत। आफरीन ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, तुम सब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब आपकी तबीयत कैसी है? झेल रही हूँ जिंदगी को। समझ नहीं आ रहा अपनी हिम्मत पर रश करूं या अफसोस। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा ऐसा ही करे, क्योंकि अगर औलाद तुम जैसी हो ना तो यकीन मानो इसी में खुदा की रहमत होगी। ये क्यों कह रही हैं आप सब मुझसे? भूल गई मैंने कितना मना किया था शादी करने के लिए। आप सब लोगों ने मुझे फोर्स किया था, मजबूर हो गया था मैं। तुम्हें अंदाजा है अंदाजा तुम्हें, तुमने अपनी कमी को छुपाने के लिए क्या क्या किया है। सही कहती थी अफशा, तुम इंतहाई खुदगर्ज़ हो, बदलिहाज़ हो। तुम सिर्फ अपना सोचते हो। तुमने आफरीन के किरदार की धज्जियां उड़ा दी। सरा शर्म नहीं आई एक औरत के साथ तुम कर क्या रहे हो? हर सलाम है उस आफरीन पे भी। इस घर की इज्जत की खातिर वो तुम्हारी हर बात एक एक करके मानती गई और यहाँ तक कि उसका अपना किरदार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया सबकी नजरों में। बोली आपने, अब सुन भी लें, मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया है। पता नहीं क्यों जो कुछ मैंने किया वो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि आज मेरी अपनी औलाद ने मेरे घर की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया।